Assalamu alaikum, dear students. I hope you will be fine. In this video, I am going to continue my previous topic, that was quantity average. Okay, so dear students, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक ब्रिज है. हमने पिछले लेक्चर्स में इसी ब्रिज के लिए क्वांटिटी को कैलकुलेट किया था. ठीक है, आज इसी लेक्चर में हम इस ब्रिज के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील वर्क को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चलते हैं हम इस ब्रिज की ड्राइंग की तरफ कि हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द ब्रिज है उसमें कितनी परसेंट स्टील यूज हुई है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, चलते हैं ड्राइंग की तरफ. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस ब्रिज के लिए ड्राइंग है. जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर्स में इसी ब्रिज के लिए जो टोटल क्वान्टिटी है उसको कैलकुलेट किया था. ठीक है, आज जो है हम क्या करेंगे, इसी ब्रिज के लिए टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील वर्क को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास जो गर्डर्स है उसमें हमारे पास 1.5% स्टील यूज हुई है. ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ द गर्डर्स है, ठीक है, उसकी अगर हम 1.5% ले लें तो इतनी स्टील हमारे पास इस गर्डर में यूज हुई है. ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो डिक स्लेब है, जो इसकी टोटल वॉल्यूम है, इसकी 1% जो है इसमें स्टील यूज हुई है. ठीक है, और हमारे पास जो वेयरिंग कोट है उसमें भी हमारे पास 1% स्टील यूज हुई है. और उसके बाद हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है उसमें भी हमारे पास जो स्टील की क्वांटिटी है उसको यहाँ पर शो किया गया है कि हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है उसमें 0.8% स्टील यूज़ हुई है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने अपने लिए एक्सेल शीट में इस गर्डर्स की जो टोटल क्वांटिटी को हमने कैलकुलेट किया था, ठीक है, जो हमारे पास 1140 क्यूबिक फीट आ रहा था, यहाँ पर हमने इसको लिख दिया है. ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास डिक स्लेब है उसके लिए भी जो हमारे पास क्वांटिटी आ रही थी इसको भी हमने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, और इसके साथ जो हमारे पास वेयरिंग कोट था इसकी भी क्वांटिटी को हमने यहाँ पर लिख दिया. ठीक है, और जो हमारे पास रेलिंग पोस्ट है, ठीक है, ब्रिज के एक साइड पर और दूसरे साइड पर, उसको भी यहाँ पर हमने लिख दिया. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ द स्टील है इन अ गर्डर्स, वो हमारे पास कितने हैं, 1.5% है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस गर्डर्स की बिल्कुल सामने लिखा है कि हमारे पास जो गर्डर्स में क्वांटिटी ऑफ स्टील है वो हमारे पास 1.5% है. ठीक है, और इसके साथ साथ जो हमारे पास डिक स्लेब है, ठीक है, उसमें भी हमारे पास क्या है, 1% स्टील यूज हुई है. ठीक है, और सेम इसी तरह हमारे पास जो वेयरिंग कोट है उसके लिए जो क्वांटिटी ऑफ स्टील है वो हमारे पास 1% है. ठीक है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो रेलिंग पोस्ट है उसके लिए भी जो स्टील की क्वांटिटी है 0.8% है. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसको लिख दिया. ठीक है, सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हमें ये पता है कि हमारे पास जो टोटल गर्डर्स की क्वांटिटी है वो 1140 क्यूबिक फीट है, और इसमें जो है हमारे पास स्टील की क्वांटिटी कितनी है, 1.5% है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 1.5% को यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, तो हमारे पास जो 1.5% है उसको हम यहाँ पर इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास जो है 1% स्टील जो है वो डिक स्लेब में है, तो यहाँ पर हम 1% को इस तरह लिख सकते हैं. ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे पास ये भी जो है क्या है, 1% है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी 1% लिखेंगे, और ये हमारे पास 0.8% है, तो यहाँ पर मैंने लिखना है 0.8%. ठीक है, इसको भी मैं यहाँ पर लिख दूंगा. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो टोटल गर्डर्स की क्वांटिटी है वो ये है, और इसमें स्टील की क्वांटिटी जो है 1.5% है. ठीक है, और इसी तरह डिक स्लेब, वेयरिंग कोट और रेलिंग पोस्ट के लिए भी यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को मेंशन किया गया है. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, अगर मैंने स्टील की क्वांटिटी को फाइंड करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसी स्टील की परसेंटेज को सॉल्व करूँगा, तो यहाँ पर मैं इक्वल का साइन डालूंगा. ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने इक्वल का साइन डालना है, और सेम इसी तरह मैंने यहाँ पर भी इक्वल का साइन डालना है. ठीक है,
और यहाँ पर भी इक्वल का साइन डालना है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो परसेंटेज है उसको हमने कन्वर्ट किया, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट, अगर मैंने स्टील की क्वांटिटी को फाइंड करना है तो हमारे पास जो टोटल गर्डर्स की क्वांटिटी है वो ये है, ठीक है, और इसमें जो स्टील की क्वांटिटी है वो ये है, ठीक है। तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील है एंड गर्डर्स वो आ जाएगी 17.0 क्यूबिक फीट, ओके। नाउ डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये प्रोसीजर डिक स्लेव वेयरिंग कोट और रेलिंग पोस्ट के लिए भी रिपीट करना है तो मैं इसको ड्रैग करूँगा, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील है एंड अ गर्डर वो हमारे पास 17.1 क्यूबिक फीट है। इसी तरह डिक स्लेब में भी वेयरिंग कोट और रेलिंग पोस्ट में जो डिफरेंट स्टील क्वांटिटी है एंड टर्म ऑफ क्यूबिक फीट उसको हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर मैंने इसको ऐड करना है तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन डालूंगा, इसको मैं ऐड करूंगा, ठीक है। तो इससे जो मेरे पास टोटल क्वांटिटी है ऑफ द स्टील वो आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील है इन दिस ब्रिज, ठीक है, तो वो आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 40.41, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आ गई वो हमारे पास इन टर्म ऑफ क्यूबिक फीट आ गई, ठीक है। नाउ याद रखिए, अगर हमने इसी क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ पाउंड्स या इन टर्म ऑफ केजी, तो उसके लिए हमने क्या करना है, याद रखिए कि सबसे पहले अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ पाउंड्स, तो अगर हमारे पास 1 क्यूबिक फीट का स्टील हो उसका वेट जो है इन पाउंड वो हमारे पास क्या होगा, 490 होगा, ठीक है। सो नाउ याद रखिए डियर स्टूडेंट्स, कि अगर हमारे पास 1 क्यूबिक फीट का स्टील हो, ठीक है, उसकी जो यूनिट है इन टर्म ऑफ पाउंड वो क्या होगी, 490 होगी, ठीक है। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इसी सीएफटी को कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ वेट, तो हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील है इन टर्म ऑफ पाउंड वो आ जाएगी 19800, ओके। सो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील है इन टर्म ऑफ पाउंड्स, ओके। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना है इन टर्म ऑफ केजी, तो याद रखिए अगर हमारे पास 1 पाउंड का वेट हो, ठीक है, वो हमारे पास इक्वल होता है 0.4536, ओके। सो नाउ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसी वेट को काउंट करना है इन टर्म ऑफ केजी, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसी को मल्टीप्लाई करूंगा 0.4536 के साथ, ठीक है, तो इससे मेरे पास आ जाएगा 8982, ओके। तो ये हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी ऑफ स्टील है फॉर दिस ब्रिज, ठीक है, इसकी जो वेट है वो हमारे पास क्या है, 8982 केजी है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ चुका होगा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये भी बताता चलूँ, अगर आपने एक कलवर्ट्स के लिए क्वांटिटी को निकालना है, ठीक है, उसके लिए भी आप ये प्रोसीजर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए भी आपने ड्राइंग को स्टडी करना है कि उसकी जो ड्राइंग है उसमें थोड़ी बहुत चेंज होगी, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो यही तरीका है, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू विल लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक, please comment on my channel. I will try to reply your answer. So see you in next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.